नमस्कार दोस्तों, और सुनाइए क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। अक्सर देखा गया है हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में ना नेगेटिव एनर्जी रहती है, जिसकी वजह से फैमिली में हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े, लोग जो है एकदम सैड से और लेजी फील करते हैं, मन में सिर्फ कड़वाहट भर जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई वास्तु कोच नहीं हूं, बट जो कुछ भी मैंने अपने घर में एक्सपीरियंस किया उनके बेसिस पर मैं आपके साथ कुछ इजी टिप्स शेयर कर रही हूं, जिससे कि आप घर से नेगेटिव और बैड एनर्जी को निकाल सकें और घर में पॉजिटिव और गुड एनर्जी को ला सकें। तो ये छोटी छोटी बातों को अपना कर देखें, सीरियसली आप खुद अपने आप में एक चेंज फील करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे। पहली बात, सुबह उठते ही पता है पहला काम क्या करती हूँ, अपने रूम के सारे कर्टन्स खोल देती हूँ। दो बातें होती हैं इससे, पहली तो सुबह की रोशनी देखते ही मन ग्रैटिट्यूड से भर जाता है कि एक और नया दिन देखने को मिल रहा है, और ये जो फीलिंग है ना, ये ऑटोमेटिकली मेरे अंदर ना एक पॉजिटिव एनर्जी भर देती है। और सूरज की रोशनी से बहुत से पॉइजनस बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, तो सुबह पर्दे खोलते ही आप खुद में एक पॉजिटिव एनर्जी को फील कर सकते हैं। मैं सच कह रही हूँ, जैसे जैसे आप रोज उठकर सुबह कर्टन खोलने लगेंगे, आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आने लगेगी ना, और फिर आप हफ्ते दो हफ्ते में खुद अपने आप में एक जबरदस्त पॉजिटिव चेंज फील कर सकते हैं। दूसरा काम, सुबह थोड़ी देर के लिए मैं रूम की सारी विंडोज खोल देती हूँ, जिससे कि सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है और रूम जो है वो फ्रेश एयर से भर जाता है। रूम में अपनी जो बेडशीट्स हैं मोस्टली मैं प्लेन कलर की यूज करती हूँ, हर दिन या एक दिन छोड़कर उन्हें धुलवाती जरूर हूँ, क्योंकि ये जो साफ बेडशीट्स होती है ना, वो भी एक पॉजिटिव फीलिंग देती है। और कभी भी बेड पर बैठकर खाना नहीं खाती, नॉट इवन टी और कॉफी। ये जो आपका बेड है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ मेंटल पीस मिलनी चाहिए, और ये जो खाने पीने की चीजें होती है, ये सारी पॉजिटिव एनर्जी ले जाती है। वहीं पर खाना खाया, फिर उसके बाद चादर को झाड़ा और उसके ऊपर ही सो गए, अच्छी नींद आ सकती है क्या? आ ही नहीं सकती, ना ही अच्छी नींद आएगी, सर दर्द, लेजीनेस और बहुत से मेंटल इश्यूज हो जाएंगे, 10 बीमारियां और लग जाएंगी। सो जस्ट अवॉइड योर बेड टी एंड कॉफी ऑन योर बेड। इन चीजों का आनंद लेना है तो खुली हवा में ले, चेयर टेबल पर बैठ कर लेना, और अपने बेड को सिर्फ आराम के लिए और चैन की नींद के लिए रहने दे, राइट? तीसरी बात, पता है जब भी मैं अपने घर के किसी कोने की सफाई करती हूँ, वहां पर पड़ा कोई टूटा फूटा सामान जिसका कोई यूज ना हो, आलतू फालतू मेडिसिन, वेस्ट पेपर, जूते चप्पल, कपड़े जिन्हें मैं अब पहनती नहीं हूँ, किसी जरूरतमंद को दे देती हूँ ना ऐसी चीजों को, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। पता है जब भी इस तरह से कभी सामान फैला हुआ होता है ना, तो मैं फील करती हूँ कि मैं छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लग जाती हूँ, लेकिन जब भी ये गैर जरूरी सामान जरा हटा देती हूँ, कपड़े जूते चप्पल पल और किताबें सब अपनी अपनी जगह पर सेट करके रख देती हूँ, तो एक तो हर चीज को ढूंढना बड़ा इजी हो जाता है, और दूसरा साफ सुथरी जगह को देखकर मन में एक पीसफुल और हैप्पी फीलिंग आने लगती है, बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है। और अभी कुछ टाइम से तो मेरे पास में वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स भी हैं, जिससे कि मेरी सारी छोटी छोटी चीजें अलग अलग बॉक्स में सेट रहती है। तो ना टाइम टाइम पर अपने घर में डीक्लटरिंग जरूर करें, इससे आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस कम होता है। होता है ना, जैसे कि हम अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स को निकाल देते हैं तो बड़ा अच्छा फील करते हैं, है ना? तो ऐसा ही कुछ होता है जब हम अपने घर से फालतू चीजों को निकाल देते हैं, क्योंकि ये जो साफ जगह होती है ना, ये आपको पीस ऑफ माइंड के साथ साथ आपके थॉट्स को भी क्लैरिटी देती है, आपको नींद अच्छी आने लग जाती है। अब नीट एंड क्लीन जगह होगी तो वहां पर कोई डस्ट और बैक्टीरियाज नहीं होंगे, तो आप एलर्जी और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम से भी बचेंगे, और 10 बीमारियां नहीं होंगी, मेंटल इश्यूज नहीं होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप काम पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। एंड बिलीव मी, ये सारी चीजें जो है ना, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो चौथी बात है ना, ये मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन हाँ सुना बहुत है, आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। कहते हैं कि नमक में ना घर की नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर खींच लेने की क्वालिटी होती है, तो आप फ्लोर पर अगर चाहें तो पानी में थोड़ा सा सी सॉल्ट मिलाकर उसके पोचे लगवा सकते हैं। कहते हैं कि कांच के बर्तन में सी सॉल्ट रखने से भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। घर के एंट्रेंस पर आप सेंधा नमक के पानी के पोचे लगवा सकते हैं। अब जो अगली चीज है ना, वो तो बहुत 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 जरूरी है, और वो है प्लांट्स। तो मैंने तो अपने मेन एंट्रेंस से घर के अंदर आते तक ढेर सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं दोनों तरफ, और मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी अच्छी फीलिंग देते हैं, इतनी पॉजिटिव फीलिंग देते हैं।
क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ना वो एयर में से जितने भी पॉइजनस बैक्टीरिया होते हैं उन्हें अपने अंदर खींच लेते हैं और पूरे एटमोसफेयर को फ्रेश कर देते हैं। तुलसी का पौधा घर से नेगेटिविटी दूर करता है, बैम्बूज कहते हैं कि बहुत लकी होता है, एलोवेरा एयर को क्लीन करता है, जैस्मिन घर में खुशहाली लाता है, कहते हैं कि ये पौधा जो है ये रिश्तों को मजबूत करने में भी बहुत हेल्प करता है, मनी प्लांट, पीस लिली, स्पाइडर प्लांट, ये सारे पौधे घर में खुशहाली लाते हैं, अच्छी फीलिंग को जगाते हैं। सेज यानी कि तेज पत्ता, ये बहुत ही खुशबू वाला पौधा होता है और इसका यूज जो है खाने के साथ साथ जड़ी बूटियां बनाने में भी किया जाता है, और कहते हैं कि सेज के पत्तों को जलाएं, इसका जो धुआं होता है ना वो घर की हवा को प्योर करता है। आप अच्छी फ्रेग्रेंस की कैंडल्स भी जला सकते हैं, अरोमा ऑयल्स भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। कई बार शाम को मेरे हस्बैंड घर पर कपूर जला देते हैं, उससे भी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अट्रैक्ट होती है। चंदन और लेवेंडर ये घर की पूरी एनर्जी को बेअसर करने का काम करते हैं। पुराने टाइम से लोग अगरबत्तियां जलाते आ रहे हैं, है ना। संतरे ऑरेंज की जो खुशबू होती है ना वो भी बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करती है, तो आप ऑरेंज के तेल की कुछ बूंदे पानी में मिलाकर घर में छिड़क सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत कुछ चेंज कर सकती है, आपको हैप्पी हैप्पी फील करा सकती है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप खुद फील करेंगे अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को। सो जस्ट ट्राई, ओके। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, लव यू ऑल।